हेरासमेंट हेल्पलाइन को बनाने का जो मेन रीज़न था वो ये रीज़न था कि आज से कुछ सालों पहले हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में सेशंस करवाए, जिससे हमें ये चीज़ पता चली कि लड़कियां और ख़वातीन किस कदर और कितनी हरासमेंट जो है ऑनलाइन फेस कर रही हैं, कितनी अब्यूज़ जो है वो फेस कर रही हैं। तो इस सिलसिले में डिजिटल राइट्स फाउंडेशन ने साइबर हरासमेंट बनाई। साइबर हरासमेंट 3 तरह की सर्विसेज कर रही है, लीगल असिस्टेंस, उसके अलावा जो है वो डिजिटल सिक्योरिटी और साइकोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। हमने देखा है कि पेंडेमिक के दौरान हैरासमेंट के केसेस में बहुत इजाफा हुआ है, क्योंकि लोग ज़्यादातर ऑनलाइन रहना स्टार्ट हो गए थे, और चूंकि इसमें ख़वातीन पे ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ है, क्योंकि जुलाई में हमने देखा है 60% तक ये हमारा जो है कंप्लेंट्स जो है 60% तक आ चुकी थी जुलाई में, और क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा बाहर भी नहीं जा सकती थी, इनको मोबिलिटी का इशू भी हो रहा था, और वो ब्लैकमेल हो रही थी, थ्रेटन हो रही थी, तो इसलिए हमें ये महसूस हुआ कि हमें जो है अपनी इन सर्विसेज को एक्सपेंड करना चाहिए ड्यूरिंग पैंडमिक। पिछले साल 2019 में जो कि हम हर माह हम 150 कॉल जहां हम रिसीव कर रहे थे, वो अब इस साल 2020 में हमने ये भी महसूस किया है कि सिर्फ जुलाई के महीने में हमने 650 से ज़्यादा कॉल रिसीव की हैं, जिससे ये हमें पता चलता है कि पैंडमिक के दौरान ये मसला कितना इंक्रीज हो चुका है। साइबर हैरासमेंट हेल्पलाइन के जरिए बहुत से लोगों को अपने केसेस डील करने में मदद मिली है, और जुलाई में जैसा कि हमने देखा कि बहुत से केसेस इंक्रीज हुए हैं ड्यूरिंग पेंडेमिक, हमने अपनी हेल्पलाइन साइबर हैरासमेंट हेल्पलाइन को एक्सपेंड किया। 24/7 गए हम लोग, और जिसमें हमने 9 से 5 बजे तक कॉल्स ली, और उसके बाद हम 5 बजे से ऑनवर्ड्स हम इसको सोशल मीडिया के थ्रू रिसीव कर रहे थे, उनके कंप्लेंट्स को, उनके केसेस को डील कर रहे थे थ्रू ईमेल्स, और जो इनकी तस्वीरें, अगर किसी की कोई तस्वीर लग गई है उसको हम उसी टाइम जल्दी से रिमूव करवा सकें, या किसी के अकाउंट हैक हुआ है या अकाउंट में कोई मसला आ रहा है और हम उनको डील कर सकें। हमने ये सर्विसेज उनको प्रोवाइड की 24/7। इसके अलावा हमने उनको साइकोलॉजिकल हमारी सर्विसेज जो हैं वो भी प्रोवाइड की, क्योंकि इस दौरान में ख्वातीन बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाती हैं जब उनको हेरास किया जाता है और वो किसी से बात भी शेयर। Harassment Helpline has dealt with more than 7,000 cases of online violence, harassment, and crime in 4 years, mostly from Pakistan, but also from other countries of the world. We've observed that the volume of cases in the last 4 years has steadily increased. And to cater to that, we've built a network of lawyers that provides complainants with legal advice on pro bono and lo bono basis. We've also established liaisons with law enforcement agencies to refer cases to them, and also have worked on building their capacity around gender-based violence, online violence, especially non-consensual use of images and information, so that they can be more sensitized and provide effective support to the victims of online harassment. Currently, Cyber Harassment Helpline is functioning 5 days a week, so we are aiming to expand its services to 7 days a week and also hire psychologists to provide mental health counseling to the recipients of online violence, as well as people affected during the pandemic, because we've observed that it helps and these services are needed. Given that the helpline now has experience in working remotely and through virtual channels, we are aiming to scale up its work across South Asia by building a regional network that will allow for resources to be pooled together and will address online violence at a larger scale. Because of the transnational nature of cyber violence, it is important to develop these networks for cases with overlapping jurisdictions. We've dealt with such cases, so we understand the need for services like these.